सॉरी मुझे पॉज करना पड़ेगा, दिस वॉज इनसेन। हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ एक बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड सॉन्ग पर। यह है पेशावर जलमी का टीम सॉन्ग फॉर द ईयर 2021। तो लेट्स चेक इट आउट। वैसे पेशावर जलमी का हमेशा अच्छा रहता है टीम सॉन्ग। मैंने 2019 का भी सुना था एंड 2020 भी। अच्छा ये साल भी है क्या हानिया में? लास्ट ईयर का हार्ट ब्रेक। We feel the fight, like sirens in our brain. महाप्रियास abs dekha now you feel this fire can you feel it get higher can you let it inspire now you feel this fire can you feel it get higher can you let it inspire go give it up for the kingdom सॉरी मुझे पॉज करना पड़ेगा, दिस वॉज इनसेन। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना हाई प्रोडक्शन वैल्यू होगा एक टीम सॉन्ग के लिए। आईपीएल में भी नहीं होता यार इतना तो। और ये अपेरेंटली ये सॉन्ग इंग्लिश में है, जो मुझे किसी ने बताया नहीं कि इंग्लिश में होने वाला है। जो इंग्लिश भी है वो क्रिंजी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कई बार मैंने देखा है कि जब देसी लोग इंग्लिश में ट्राई करता है गाने की तो वो एक्सेंट बराबर नहीं लगता। बट दिस इज इनसेनली गुड, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सॉरी मैंने पॉज कोई ज़्यादा ही देर के लिए। ओके माहिरा आ गए। अभी उर्दू चालू हो गया। हो जाने दो ये खेल है जैसे तेरी मेरी जंग जलने के चपट खो न जाने वो हो जाने दो सामने तेरे है जो तेरी वार को जानते मैं बार बार नहीं पॉज करता, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार, क्योंकि मैं बोलने वाला था बहुत ही इंटरनेशनल क्वालिटी का है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई स्पोर्टिंग लीग का टीम ऐसा हाई क्वालिटी या फिर हाई बजट सॉन्ग बनाता है। दिस इज कैसे डिस्क्राइब करूँ पता नहीं। मैन हाँ, आई डोंट रिमेम्बर मैं कब कोई लास्ट टाइम कब इम्प्रेस हुआ था कोई टीम के सॉन्ग से इतना ज़्यादा। क्रेजीनेस है ये तो। इसमें माहिरा खान, हानिया आमिर, एसरा बिलगिच, एक तो बजट उड़ाया है इन्होंने पेशावर जलमी ने। दिस इज़
और क्या कैसे डिस्क्राइब करूँ मैं इसको, दिस इज इनसेनली गुड. मैं इसको एज अ सॉन्ग भी सुन लूँगा क्योंकि इंग्लिश पार्ट स्पेशली बहुत अच्छा लगा, और जो उर्दू पार्ट जब आता है बहुत ही हाई इंटेंसिटी जो ग्राउंड्स में बजा सकते वैसे टाइप का, तो लाइक होता है ना एक 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स का शॉर्ट क्लिप्स जो प्ले करते हैं ग्राउंड में सब, उसके लिए परफेक्ट है. और जो इंग्लिश पार्ट है वो ऐसे ही सुनने के लिए भी बहुत अच्छा है. ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर टू सपोर्ट ZelMake. अगर आप PSL में नहीं सपोर्ट कर रहे, आपका फेवरेट टीम नहीं है, फिर भी इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो. हर साल नया एंथम बनाता है खुद के टीम के लिए, एंड PSL 6 एंथम मुझे अगर एवरेज लगा है तो दिस इज 10 out of 10. दिस इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट स्पोर्टिंग एंथम जो मैंने आज तक सुना है, और मैं बिल्कुल एक्सेजरेट नहीं कर रहा. आई एम, माई माइंड इज ब्लोन राइट नाउ. तो अभी सुनते हैं कि आकाश को ये सॉन्ग कैसा लगा. हे गाइस, मेरा नाम है आकाश. तो आज मैं बात करने वाला हूँ PSL के पेशावर ZelMake टीम के एंथम के बारे में. तो सच कहूँ तो ये एंथम बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यार सच कहूँ तो मुझे हॉलीवुड वाली वाइब आ रही थी. जैसे मैं कोई हॉलीवुड का जैसे वन डायरेक्शन या किसका, मतलब कोई ऐसे जो उनका मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा था. बिकॉज मैं वन डायरेक्शन के सॉन्ग ज़्यादा सुनता हूँ. मेरा फेवरेट बॉय बैंड है काफ़ी टाइमों से, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनके सॉन्ग सुनना. तो मतलब उनके कुछ कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जैसे ये जो मैंने ये सुना एंथम उस टाइप का, तो खैर उनको रखते हैं बाजू में. लेकिन सच कहूँ तो अच्छा लगा बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा लगा. जो इसमें कैरेक्टर दिखे, मतलब मुझे लगा नहीं था वो भी है इसके अंदर. जैसे हानिया आमिर है, माहिरा खान है जो अरतरुल गाजी की जो एक्ट्रेस है इसरा, वो भी है इसमें. तो यार जब मैं हानिया आमिर और माहिरा खान को देख के शॉक नहीं हुआ, जितना मैं उन जो इसरा है जो अरतरुल गाजी की जो एक्ट्रेस है उसको देख के, मैं मतलब उनको देख के मैं काफ़ी शॉक हो गया. इसमें जो क्रिएट किया, जैसे ग्राउंड के ऊपर जैसे पीच के ऊपर शोएब मलिक हाथ रखते तो पूरा पीच मतलब टूटने लगता है. मतलब यार सच कहो तो यार, मतलब जो एडिटिंग है ना, मतलब बहुत ही बढ़िया है. मतलब यार शूटिंग जिस जगह की है ना, जैसे माहिरा खान की जहाँ से एंट्री होती है, तो ये कोई ऐसा लगता है जैसे हॉलीवुड मूवी, जैसे आप एवेंजर्स देख रहे हो उसमें जैसे सब टूट फूट सा गया होता है, मतलब उस टाइप में जैसे थोड़ा उस टाइप का लगा मुझे. और मुझे ऐसा लग रहा भी नहीं है कि ये शूटिंग पाकिस्तान के अंदर ही हुई है, सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं. लेकिन शायद से वही हुई होगी, कन्फर्म तो नहीं कर सकता मैं. आपसे ज़्यादा मुझे नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लगा ये एंथम. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, बाय.